देखिए जैसे डिफाइन फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स माने होता है फाई। अगर इसको निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए होता है। अब आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यू ये दी है इतने टेस्ला और एरिया ये दिया है, तो आप कैसे करेंगे? आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया फाई इक्वल टू बी इंटू ए, बी की वैल्यू ये रखी, ए की वैल्यू के कैप हो जाएगी क्योंकि इसमें आई जे आई और के है, ठीक है। तो एरिया के लिए आप जो है यहाँ पे के वेक्टर लगा लेंगे क्योंकि एक्स वाई प्लेन में, तो वेक्टर के उसके ऊपर जो है वो आ जाएगी परपेंडिकुलर। तो हमने बी की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, ठीक है। अब आपने क्या कर, आपको क्या करना है मैथ के अकॉर्डिंग, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो थ्री आई इंटू 0.2 करेंगे और इसका आई इसका के साथ में रखा, और जब इसको इससे करेंगे इसका के साथ में रखा, तो आपको पता है आई डॉट आई बना होता है, जे डॉट जे बना होता है, के डॉट के बना होता है। लेकिन आई से किसी और को करेंगे, जैसे किसी और करेंगे तो जीरो होगा, आई डॉट जे जीरो, के डॉट थ्री जी। तो हमने यहाँ देखा आई डॉट के आ रहा था, तो जीरो जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है जीरो हो जाता है। यहाँ 4 to 8 0.8 है, ऐसे